पीठ दिखाकर कहां भाग रहे हो? भूल गए? प्रभु श्री राम को विजय दिलानी है, माता सीता को मुक्त कराना है। किंतु हनुमान जी, इस राक्षस की विशाल देह देखी, इसका बल देखा, इसे परास्त करना असंभव है। इसका सामना करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है। हमें मत रोकिए। रुको रुको, किसी को कुछ नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी मायावी राक्षसों को धूल चढ़ाई थी, ऐसे ही इसे भी धराशायी कर देंगे हम। वानर राज सुग्रीव, क्या अभी भी तुम इस रणभूमि में हो, या अपनी सेना से पूर्व ही इस रणभूमि से पलायन कर गए? मेरे समक्ष आओ, युद्ध करो मुझसे। ये मुझे ललकार रहा है। आओ मेरे सामने और युद्ध करो। महाराज सुग्रीव, आपकी शक्ति पर किसी को संदेह नहीं है, किंतु ये राक्षस महाविकराल है, इसलिए इसके समक्ष जाना स्वयं को संकट में डालना होगा। किंतु प्रभु, मेरा इसके समक्ष जाकर संपूर्ण शक्ति के साथ सामना करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं अभी नहीं गया तो संपूर्ण वानर सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसका सामना करने का कोई अर्थ नहीं है। इसका सामना करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है। हमें मत रोकिए। यदि ऐसा है तो मैं आप सबको नहीं रोकूंगा, किंतु जो मैंने पूर्व में कहा था वो मैं पुनः कह रहा हूँ। विजय हमारी होगी, पाप एवं पापियों का सर्वनाश होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम नाम की महाशक्ति हमारे साथ है। स्वयं प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं। आज्ञा दे प्रभु। हमारे महाराज तो उस विशालकाय राक्षस से भिड़ने चले गए। विशालकाय राक्षस, क्या हुआ? कल के युद्ध के बाद प्रतीत होता है रावण हमसे भयभीत हो उठा है। उसकी निद्रा भंग हो गई है, इसलिए उसने असमय तुम्हारी निद्रा भंग कर दी। स्वयं को महाबली कहने वाला रावण बहुत ही भीरू निकला। सुग्रीव, जिसकी स्वयं की सेना रणभूमि में अपने समक्ष मृत्यु को देख भाग रही हो, उसके मुख से ये बोल शोभा नहीं देते। यदि तुम भी अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते तो भाग जाओ अपनी सेना के साथ, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे राजा के अपमान से अच्छी तो मृत्यु है हमारे लिए। उचित कह रहा हूँ, उचित कह रहा हूँ। हनुमान जी, हमारी सेना का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। चलिए हनुमान जी। कुंभकर्ण, तुम जैसे हिंसक पशु को देखकर क्षण भर के लिए मेरे वानर वीर योद्धा भयभीत हो उठे थे, परंतु हम उनमें से नहीं जो पीठ दिखाकर भागे। हम तो वो हैं जो शत्रु के सामने आकर उसकी नासिका पर वार करते हैं। जय श्री राम। बस।
अभी तुझे अपने पग के नीचे मसलता हूँ। पकड़ लिया उस राक्षस ने। दुष्ट वानर, अब तुझे कुंभकर्ण से कौन बचाएगा? ये ले। कुंभकर्ण, उठा लो सुग्रीव को और ले चलो लंका के भीतर। लंकेश का यही आदेश था। क्या था मुझे? महाराज सुग्रीव की जय। हम रोकेंगे तुम्हें राक्षस। महाराज सुग्रीव को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। सोचने का समय नहीं है हनुमान, शीघ्र ही मूर्छित महाराज सुग्रीव को सुरक्षित करना होगा। सुग्रीव, तुम्हारी पराजय के साथ ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ये दुष्ट वानर बचा कर ले गया सुग्रीव को मेरे हाथों से। मारो, वार करो इस पर। मारो, वार करो इस दुष्ट पर। नेरू पर्वत के समान इस विशालकाय दानव से अनेक गुना अधिक है प्रभु श्री राम की शक्ति। जय श्री राम। जय श्री राम। दुर्लटो वानरो, मेरी देह पर उत्पात मचा रहे हो। एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर तुम सबको चींटियों की भांति मसल दूंगा। चलो हम भी इस पर आक्रमण करते हैं। हम सब मिलकर गिरा देंगे इसे। युवराज अंगी को पकड़ लिया। जय श्री राम। दुष्ट वानरो, बंद हुआ तुम्हारा उत्पात। तुम सब मेरा भोजन बनोगे। मित्र नील, कैसे बचाए उन्हें? ये राक्षस तो उन्हें खा जाएगा। हम मेरे उधर में आराम से रहना तुम दोनों।
आपने लक्ष्य साध लिया पर बाण नहीं चलाया? लक्ष्मण, यदि अभी मैं इसका वध करूंगा तो इसके साथ साथ उन वानर योद्धाओं का भी अंत हो सकता है जिसे इसने अभी अभी निगला है। मामा जामवन जी, आप महाराज सुग्रीव की रक्षा कीजिए, मैं उस दुष्ट राक्षस को देखता हूं। अब व्यर्थी इन पर आक्रमण कर रहा हूं मैं, ये तो मेरे लिए युद्ध नहीं, ये तो मेरे लिए भोज है। अब इन्हें खाकर मैं अपनी शुदा मिटाऊंगा। अब तुम हमारा प्रहार सहो कुंभकर्ण, तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हें निद्रा बहुत प्रिय है ना कुंभकर्ण, लाओ ला। आओ वानरो। शेष वानर योद्धाओं को भी पकड़ लिया इसने। भ्राता महोदर, लंकेश को इसी बात का भय था, कहीं भोजन के लालच में ये उनका आदेश ही ना भूल जाएं। हमें उनको यहाँ पर आने का उद्देश्य स्मरण कराना होगा। भागो, अन्यथा ये हम सभी को खा जाएगा। भागो, 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 प्राण बचाओ, भागो यहाँ से, अपने प्राण बचाओ, भागो, प्राण बचाओ, भागो। मेरा हाथ पकड़ने का दुस्साहस किसने किया? कर्ण, अब मैं एक भी वानर को तुम्हारा ग्रास नहीं बनने दूंगा। तुम रोकोगे मुझे तो अब मेरा हाथ पकड़ने के परिणाम स्वरूप उसका पुरस्कार भी ले लो। जिन्हें तुमने उदरस्थ किया है उन्हें जीवित बचाऊंगा मैं। राम भक्त हनुमान हूं मैं, नहीं टिक सकोगे मेरे समक्ष तुम। छोड़ मेरा हाथ वानर, छोड़ मेरा हाथ। भोजन बनाने का परिणाम तो झेला तुमने, अब उसके हाथ का वार भी झेलो। अच्छा वानर, आज कितने वर्षों के पश्चात अपने समान पराक्रमी योद्धा से युद्ध करने का अवसर मिला है मुझे। अब देख हनुमान कि मैं तुझे किस प्रकार धूल चटाता हूं। आ! 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 आ!
ही हूँ क्योंकि तुम जैसे शक्तिशाली योद्धा की पराजय के बाद जग को ज्ञात हो जाएगा कि अधर्म कितने भी विशाल पर्वत के पीछे क्यों न छिप जाए, धर्म की आंधी के समक्ष टिक नहीं पाएगा। जय श्री राम। के पराक्रम का परिणाम है उनकी आधी सेना को मसल दिया होगा। मुझे विश्वास है आज एक भी वानर जीवित नहीं रहेगा। अधर्म की शक्ति कितनी ही विकराल क्यों ना हो, रावण के पास कितने ही महायोद्धा क्यों ना हो, धर्म और भक्ति के शक्ति स्वरूप हनुमान हमारे साथ है। इसलिए हमारी पराजय कभी नहीं हो सकती। भ्राता कुंभकर्ण का इतने पराक्रमी योद्धा से पहली बार सामना हुआ है, एक भी वानर को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे वो। इन दोनों का तो युद्ध ही समाप्त नहीं होगा। हमें किसी भी प्रकार भ्राता कुंभकर्ण को लंकेश का आदेश स्मरण करवाना होगा। घातक कुंभकर्ण, क्यों उस मूर्ख वानर पर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो? उठाइए वानर राज सुग्रीव को और ले चलिए लंकेश के पास। उचित कह रहे हो तुम महापार्स। मुझे छोड़ो हनुमान, अपने इन वीरों की रक्षा करो। तुम अपने वानरी योद्धाओं को बचाओ ताकि मैं वानर राज सुग्रीव तक पहुंच सकूं। शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म का पालन करने वाले योद्धा की विजय अवश्य होती है।